हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप बोल रहा हूँ और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल डीके इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये जो देख रहे हैं ये 14 इंच का सैमसंग का CRT टीवी है। इस पे मैं एक फाइबर का मॉड्यूल है जो देख रहे हैं, ये CRT टीवी का अंदर में कैसे फिक्स करूँगा। और सिर्फ सैमसंग में नहीं और बहुत CRT टीवी का मॉडल में ये मॉड्यूल लग जाएगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। और मैं इसको मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, जो पार्ट्स इसमें लगा के मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ और वीडियो में मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। जिन्होंने मेरा चैनल के अभी तक सब्सक्राइब्स नहीं किए हैं, उन लोग ने सब्सक्राइब करके ही नहीं रखे और मेरा जो बेल आइकॉन है उसको दबा के रखिए, नोटिफिकेशन ऑल बोल के। तो जब मैं मेरा ये यूट्यूब में जब वीडियो डालूँगा तब सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इस टीवी को ओपन कर लिया हूँ। ये 14 इंच का CRT टीवी है और इसका जो STR है यहाँ पर देख रहे हैं, ये 5Q0765RT, इसको भी मैं रिमूव कर दिया हूँ, ये निकाल के रखा हूँ। और इस जगह में मैं एक ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो मॉड्यूल है इसका नंबर है, मैं पीछे दिखा रहा हूँ, ये जो देख रहे हैं DS0088। तो देख रहे हैं इसका जो STR है इसका नंबर मैं दिखा रहा हूँ क्लियर करके, ये जो लिखा है DMO465R। तो मैं इसमें कैसे फिट करता हूँ और इसका कनेक्शन में कहाँ कहाँ कहता हूँ और कौन सा पार्ट्स एक्स्ट्रा लगेगा, मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस CRT टीवी को मॉडिफिकेशन करने के लिए चाहिए 3 रेजिस्टेंस और एक चाहिए जेनर डायोड। ये 16 वोल्ट का, ये 16 वोल्ट का है और ये 82 ओम्स का है एक रेजिस्टेंस और 330 के का 2 रेजिस्टेंस है। ये सभी इसको मॉडिफिकेशन करने के लिए ये पार्ट्स चाहिए। तो ये कहाँ मैं लगाऊंगा, मैं आप लोग को पहले इस सर्किट में दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं लगा के और इस टीवी को चला के मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो सैमसंग का CRT टीवी में जो पावर में जो STR लगता है यहाँ पर, और 5Q0765RT, तो इसको मैं रिमूव कर दिया हूँ। तो देख रहे हैं यहाँ पर ये जो डायोड लगा हुआ है इसको देखिए, ये स्टार्टिंग सप्लाई आता है पहले कहाँ से, देखिए यहाँ पर AC से एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 33K का हाफ वाट का है और यहाँ से और एक 33K का एक रेजिस्टेंस है हाफ वाट, उसके बाद ये डायोड से होके यहाँ जा रहा है और यहाँ पर देखिए 47 MFD 63 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ पर देखिए एक जेनर डायोड है, ये 27 वोल्ट का है। तो यही सप्लाई स्टार्टिंग सप्लाई है जब हम लोग सप्लाई ऑन करते हैं, तो ये दोनों रेजिस्टेंस होके डायोड के बाद यहाँ आता है। तो आने के बाद जब टीवी चालू हो जाती है तो उसके बाद देखिए यहाँ से ये जो ऑक्सिलरी सप्लाई है इसको हम लोग रन सप्लाई भी बोलते हैं, स्टेबल सप्लाई भी बोलते हैं। SM ट्रांसफार्मर का एक ग्राउंड है और दूसरा वायर है एक डायोड से होके यहाँ आ रहा है। आने के बाद देखिए 6.8 ओम्स का 2 रेजिस्टेंस है, ओके यहाँ सप्लाई स्टेबल सप्लाई मिल रहा है यहाँ।
ये जो देख रहे हैं, और यही सप्लाई आके इसका जो एसटीआर है इसका 3 नंबर पिन में आता है। और ये जो पार्ट्स देख रहे हैं, मैं इस पार्ट्स को सिर्फ ये जो देख रहे हैं यहाँ पर जो 27 वोल्ट बनता है, यहाँ पर एक्चुअली 25 वोल्ट रहता है यहाँ पर, इसको मॉडिफिकेशन करने के लिए मैं ये सब रेजिस्टेंस और डायोड को यहाँ लगाऊंगा, कि इसीलिए कि इसको जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल का जो रेड वायर है, ये रेड वायर में 18 वोल्ट चाहिए, ये 16 वोल्ट हो से 18 वोल्ट तक चाहिए, उससे ज़्यादा होने से भी नहीं चलेगा और कम होने से भी नहीं चलेगा। तो इसको मॉडिफिकेशन करने के लिए मैं ये 3 रेजिस्टेंस और 1 जनरेटर डायोड लगाऊंगा। और देख रहे हैं यहाँ जो 33K का रेजिस्टेंस 2 है, इसको एक ओपन कर दूंगा, इसीलिए कि यहाँ पर 27 वोल्ट आ रहा है, तो इस पर 33K का रेजिस्टेंस दोनों में सप्लाई ज़्यादा आ रहा है, तो मैं ये जो 330 का रेजिस्टेंस 2 है, इसको मैं ये दोनों को मैं ये जो देख रहे हैं इसे ये खाली छोड़ा गया है रेजिस्टेंस के लिए, इसमें कोई पुर्जा नहीं है। तो ये कहाँ से आ रहा है, देखिए इसका जो बड़ा वाला कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटर से यहाँ पर रेडी है, लेकिन इस पर कोई पुर्जा नहीं है। यहाँ से मैं 2 रेजिस्टेंस 330 के और एक और 330 के का एक और 2 रेजिस्टेंस लगा के मैं ये सप्लाई यहाँ से स्टार्टिंग सप्लाई दूंगा। इसमें क्या होगा, इसमें 18 वोल्ट यहाँ पर बनेगा। और ये जो स्टार्टिंग सप्लाई जो इसको टीवी को मिलने के बाद जब टीवी चालू हो जाएगा, तो टीवी चालू होने के बाद जो यहाँ देख रहे हैं ऑक्सिलरी सप्लाई है, ये जो देख रहे हैं एक डायोड के बाद यहाँ डीसी होने के बाद ये 2 6.8 ओम्स 2 रेजिस्टेंट के बाद यहाँ आता है, तो ये भी थोड़ा ज़्यादा निकलता है। तो इसमें क्या करूँगा, इसको भी एक रेजिस्टेंस को निकाल दूँगा। निकाल देने के बाद ये जो 82 ओम्स का रेजिस्टेंस है, मैं इसको यहाँ पर लगा दूँगा। और यहाँ पर जो 27 वोल्ट का जो जेनरेटर डायोड है, इसको मैं निकाल दूँगा। अगर नहीं निकालने से भी कुछ नहीं होगा, यहाँ पर 16 वोल्ट का डायोड जेनरेटर डायोड को यहाँ लगा दूँगा। इसमें क्या होगा, यहाँ से जब एसी से 33 के रेजिस्टेंस दोनों रेजिस्टेंस होकर यहाँ सप्लाई आ रहा है, ये 27 वोल्ट, तो ये बंद हो जाएगा। और यहाँ से जो मेरा बड़ा वाला कैपेसिटर है, यहाँ से 330 के 2 रेजिस्टेंस है, यहाँ से आके सप्लाई यहाँ आएगा, तो ये मेरा 18 वोल्ट बनने लगेगा। और यहाँ से जब चालू होने के बाद ये डायोड से होके यहाँ आएगा, तो ये ज़्यादा सप्लाई आ रहा है जब, तो ये ज़्यादा सप्लाई को घटाने के लिए मैं यहाँ 82 ओम्स का रेजिस्टेंस एक लगा दूंगा। तो इसमें क्या होगा, ये जो ज़्यादा सप्लाई आ रहा है इससे घट जाएगा, और यहाँ पर 16 से 18 वोल्ट बनने लगेगा। जब 16 से 18 वोल्ट बनने लगेगा, तो ये जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल का ये जो रेड वायर है, ये रेड वायर में 16 से 18 वोल्ट बनने से ये इस टीवी का जो सप्लाई है 125 वोल्ट बनना शुरू हो जाता है। तो देखिए मैं इसको ये फिटिंग करके मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, कनेक्शन भी दिखा रहा हूँ मैं कैसे कनेक्शन करना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो मॉड्यूल है इसको मैं ये नाट देके यहाँ पर जहाँ पर एसटीआर था वहाँ पर मैं फिक्स कर देता हूँ। इसको पहले फिक्स करने के बाद मैं ये जो वायर है, ये सभी वायर को मैं वही छेद है छेद में घुसा के वो दूसरा साइड ले जाता हूँ। दूसरा देखिए दोस्तों, ये मॉड्यूल को मैं यहाँ फिक्स करने के बाद ये जो वायर है इसका वो छेद में दूसरा साइड ले गया हूँ। इधर देखिए सभी वायर को यहाँ निकाल दिया हूँ, और इस साइड में मैं इस सभी को कनेक्शन करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो 6.8 ओम्स का 2 रेजिस्टेंस है, और मैं यहाँ पर जो देख रहे हैं ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर से यहाँ से जो कनेक्शन है, इसको मैं एक एक करके यहाँ लगाता हूँ 2 रेजिस्टेंस को 330 के का। तो इससे में क्या होगा,
ये जो दो रेजिस्टेंस 33 तो के से जो सप्लाई आ रहा था वो आना बंद हो जाएगा, और ये जो मैं दो रेजिस्टेंस 330 के लगा रहा हूँ और एक जिस जगह कैपेसिटर में से मैं वो सप्लाई जो मिलेगा, 6.8 मिलने के बाद ओम सिस्टम रेजिस्टेंस ओपन से किया एक हूँ वोल्ट उस बनने जगह का। में मैं तो 1 किलो ओम्स का ये जो रेजिस्टेंस है उसको मैं लगा देता हूँ। मैं बाहर से आप लोग को लगा के दिखा रहा हूँ सभी। देखिए इसको मैं यहाँ लगा दिया हूँ, और ये जो यहाँ पर जो 33 के का जो रेजिस्टेंस है इसको मैं एक को ओपन कर देता हूँ। ये दोनों रेजिस्टेंस को मैं लगा दिया हूँ, और देखिए जहाँ पर 27 वोल्ट का जेनर डायोड है वहाँ पर मैं ये 16 वोल्ट का जेनर डायोड को लगा देता हूँ। ये जेनर डायोड लगाने से यहाँ पर 16 से 18 वोल्ट फिक्स सप्लाई मिलेगा। तो देखिए मैं ये सभी को मैं लगा दिया हूँ, उसके बाद देखिए मैं इस मॉड्यूल को कनेक्शन कर देता हूँ। ये जो देख रहे हैं यहाँ पर जो कैपेसिटर है 47 mFD 63 वोल्ट, यहाँ पर रेड वायर को लगा देता हूँ। और देखिए यहाँ पर जो ऑप्टो है, ये जो ऑप्टो है ऑप्टो का ये 3 नंबर पिन ग्राउंड है, और 4 नंबर पिन में जो आ रहा है वहाँ पर मैं वाइट वायर को लगा देता हूँ। और इस जगह का पार्ट्स कोई नहीं निकाला हूँ। तो देखिए मैं ऑप्टो का 4 नंबर पिन में वाइट वायर को लगा दिया हूँ, और जो ग्रीन वायर देख रहे हैं ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर है इसका प्लस पॉइंट है, इसका प्लस पॉइंट यहाँ से आ रहा है, इसमें मैं ये ग्रीन वायर को लगा देता हूँ। और ये जो ब्लैक वायर देख रहे हैं ये बड़ा वाला कैपेसिटर का, ये नेगेटिव में ये जो है यहाँ से इसको मैं नेगेटिव में लगा देता हूँ। और ये जो येलो वायर देख रहे हैं STR का 1 नंबर पिन में ये ट्रांसफार्मर में जाता है, इस पॉइंट में मैं इसको लगा देता हूँ। यहाँ पर सभी वायर को मैं कनेक्ट कर दिया हूँ। कनेक्ट करने के बाद देखिए मेरा ये जो टीवी है इसमें लाइन दे दिया हूँ। तो देखिए दोस्तों मैं इस टीवी में जब लाइन दे दिया हूँ तो मेरा कितना सप्लाई निकल रहा है देखिए। यहाँ पर देखिए 125 वोल्ट बन रहा है, तो इसके सप्लाई जितना है देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो 125 वोल्ट देख रहे हैं क्लियर दिख रहा है, 125 वोल्ट बन रहा है। तो आप लोग देख लिए मैं ये जो ये रेजिस्टेंस देखिए जो मॉडिफिकेशन किया हूँ, सिर्फ जहाँ पर रेड वायर में जाता है वही उसी को सिर्फ मॉडिफिकेशन किया हूँ, और बाकी कुछ मैं मॉडिफिकेशन नहीं किया हूँ। ये देख लिए आप लोग कैसे। और देखिए देखिए टीवी सही से चल रहा है। तो चलिए दोस्तों आप लोग देख लिए मैं इस CRT टीवी में एक 5 वायर का मॉड्यूल लगा के मैं कैसे इसको ओके किया हूँ। तो चलिए दोस्तों मेरा ये चैनल DK इलेक्ट्रॉनिक्स है, अगर आप लोग का पसंद आया होगा जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का दबाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।